अखिल भारतीय ब्राह्मण अधिकार महासभा की एक अहम बैठक आज संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित उमेश शर्मा ने की, जिसमें हरियाणा इकाई का अहम योगदान रहा। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा अहम है। भारत के माननीय यशस्वी विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भारत देश अपराध व भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है। नरेंद्र मोदी ने देश की दिशा व दशा दोनों को बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों की वजह से भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर महासभा ने हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर विजय श्री दिलवाने का संकल्प किया है। उमेश शर्मा ने कहा कि स्वयं सार्वजनिक मंचों एवं पत्रकार वार्ता करके ब्राह्मण समाज को जागृत करेंगे और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का आह्वान करेंगे। उस जोड़ने का प्रयास करता है और एक अच्छा नेतृत्व करता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने दो हमारे प्रतिनिधियों को टिकट दिया है, दो ब्राह्मण समाज के दो लोगों को, रमेश कौशिक को सोनीपत से और डॉक्टर अरविंद शर्मा को करनाल से। तो हम जो है भारतीय जनता रोहतक से इसलिए जो है हम जो है ब्राह्मण समाज खुश है। ये भी मैं कहता हूँ, ये भी अरविंद शर्मा को ही मिली है करनाल वाली टिकट भी। जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है, मेरे मुंह से बात ठीक ही निकली है, तो ये इतना अच्छा काम किया कि हमारे दो नुमाइंदे हमारे को प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट में दी है, रोहतक और सोनीपत दो टिकटें। और कांग्रेस पार्टी जिसने ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस पार्टी को सदा सपोर्ट किया था, उन्होंने एक टिकट दी है हमारे को और वो भी ब्राह्मण समाज जो है एक किसी एक परिवार की बपोती नहीं है कि एक ही परिवार को कोटा, जैसे कोटा परमिट मिलता है ना, कि कोटा परमिट मिलता रहे। हिंदुस्तान में चुनाव का महासंग्राम है और जो ये लोकसभा का चुनाव है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि आज हिंदुस्तान, हमारा प्यारा प्यारा देश भारत माता, इस देश में ही ऐसी पार्टी, मैं सब समझूंगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो देश को तोड़ने वालों के समर्थन में है कि जैसे कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए और राहुल गांधी कन्हैया की सपोर्ट में गए। कन्हैया ने नारे लगाए थे कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। हम ये कहते हैं कि ये हमारी भारत माता है, अगर हिंदुस्तान के टुकड़े तो क्या, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई उंगली भी करे तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है हम उसकी उंगली काट दें, अगर आंख भर के वो गलत बात करे उसकी आंख निकाल दें। हिंदुस्तान की जो वफादारी की बात करेगा, जो छोटे छोटे बच्चे भी हम ये कहते थे कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हम हमारा ये वतन है, तो कांग्रेस पार्टी आज उसी तर्ज पर कश्मीर की धाराओं की बात करती है कि एक आर्म्ड एक्ट जो अभी चालू किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये सारी की सारी जो हिंदुस्तान हमारे देश को जो जोड़ने की ताकत है। मेरी भाई ऋतु मोहन जी से बात हुई दो दिन पहले, इनसे भी यही बात हुई कि भाई हमने एक ऐसी कंट्री की वफादारी के लिए ऐसा एक मुद्दा है। और ब्राह्मण समाज की जो बात है, ब्राह्मण समाज सारी बातों को ध्यान में रख करके, क्योंकि ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी का नेतृत्व करता है, ब्राह्मण समाज का काम समाज को जोड़ने का है, समाज को तोड़ने सामाजिक जो मामला है इसमें समाज में हर आदमी, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनका कोई विरोध नहीं करते। जिले सिंह पिचोलिया जी जो है अपने मेरे मैं अच्छा उनको भाई मानता हूँ, वो भी मुझे भाई मानते हैं, लेकिन कई बार क्या है अपनी अपनी विचारधारा होती है और उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है, और हमारा विचार बिल्कुल गंगा की तरह जो धारा पर हुआ जो समर्थन चल रहा है
उसके साथ है। और ये 23 तारीख को इस बात का सबको मालूम भी हो जाएगा कि ब्राह्मण समाज किधर गया। नहीं, आपका विचार है ना, ब्राह्मण समाज कहाँ है, इधर या उधर, ये पूछ रहा था। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये 23 तारीख को ये डिक्लेयर भी हो जाएगी। जो है, जो लोग ब्राह्मण समाज के नाम पे वोट मांगते हैं, कुलदीप शर्मा जी या और कोई, वो जातिगत इस तरह का ड्रामा, और वो जातिगत ड्रामा वो ऐसे, मैं समझता हूँ कि कुलदीप शर्मा नुमाइंदगी कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो कोई ब्राह्मण समाज की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जब मैं पूछना चाहूंगा, जब आरक्षण का मामला था, जब हरियाणा जल रहा था, और ब्राह्मण और 36 बिरादरी जाट बिरादरी भी, सब बिरादरियां, क्योंकि सब बिरादरियों में अच्छे लोग हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं, हम पसंद करते कि जाति पाति की बात ना, हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, सब बिरादरियों को मिले, ये साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आर्थिक आधार पर जो शरण जातियां हैं उनको आरक्षण देकर के दिखाया है। और भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ा था, उस वक्त भी ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मण अधिकार महासभा ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके मांग की थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी, अगर आपने नया आरक्षण कोई भी देना है तो आर्थिक आधार पर दो, शरण जातियों में बढ़िया जाति है, बढ़िया जाति को तो बहुत अमीर बताया जाता है, बढ़िया में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, पंजाबी में भी गरीब है, और भाई ब्राह्मण तो सदैव स्त्रियों माया है, कि ब्राह्मण तो संतोषी रहा है, समाज का संचालक रहा है ब्राह्मण तो। सर, ये जो अखिल भारतीय ब्राह्मण अधिकार महासभा, पहली बार सुन रहे हैं आप पानीपत से, पहली प्रेस को? पूरे हरियाणा भर में कोई हजारों मेंबर हैं इसमें, और पूरे देश में जो अब ब्राह्मण अधिकार महासभा आप इंटरनेट पे मारोगे तो आपको याद आएगा, जब आर्थिक आधार की आरक्षण की लड़ाई थी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब आरक्षण किया था, उस वक्त आपको तरह तरह की प्रेस कटिंग सारी की सारी मिलेंगी। और जो है ब्राह्मण अधिकार महासभा तब से काम कर रही है, ब्राह्मण अधिकार यानी कि अधिकारों के लिए, 36 बिरादरी और सब समाजों के अधिकार के लिए हम काम करते हैं। सर, ये माना जाए कि जो सामाजिक फैसला नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है, और उनके साथ भी कुछ भाई हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे साथ भी भाई है। नहीं, आज क्यों जरूरत पड़ी आपको यहाँ आने की? आज इसलिए जरूरत पड़ी कि आज हिंदुस्तान को बचाना है ऐसे लोगों से, कि जो हिंदुस्तान हमारा जो एक सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, आज फिर एक बार एक महापुरुष आए, नरेंद्र मोदी नाम के महापुरुष, जिन्होंने विश्व गुरु बनाना हिंदुस्तान को, इसलिए हम उनका समर्थन। आज आप इस प्रेस के माध्यम से भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ मेंबर तो आपके साथ थोड़े से हैं, बाकी मेंबर जो हजार में बता रहा है, हजार मेंबरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो प्रेसिडेंट ही आएगा, और ये रितु मोहन शर्मा जी बैठे हैं और सारे साथी बैठे हैं, इलेक्शन का माहौल है, सब अपना अपना काम लगे हुए हैं, और सभा की तरफ से जब किया जाता है तो उसमें अगर जलेराम पचोलिया जी आए तो वो भी आएंगे, वो भी हमारे भाई है, वो भी करो, लेकिन वो ब्राह्मण समाज ने सबने देखना है कि भाई हमने क्या फैसला लेना है, हमने तो आपके माध्यम से गुजारिश की है। ठीक है।